नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। दोस्तों, आपको कभी हैरानी नहीं होती कि कुछ लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा उम्र में भी जवान नजर आते हैं? दरअसल बूढ़ा दिखने और आपकी उम्र का कोई सर्तिया संबंध नहीं है। कुछ लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और लंबे समय तक अपनी जवानी को बरकरार रखते हैं। व्यक्ति बूढ़ा है या नहीं, इसका पता उसकी त्वचा और उसके बालों को देखकर लगता है। और अगर आप त्वचा और बालों का ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो समय से पहले आप बूढ़े दिखने लगेंगे। रोजाना नहाने के बाद अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसका असर उनकी त्वचा और बालों पर पड़ता है। इन गलतियों के कारण बहुत सारे लोग अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे लोग 40 और 45 की उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ये सामान्य सी आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपके कुछ खास आदतें जिन्हें बदलकर आप लंबे समय तक अपने लुक को जवान बनाए रख सकते हैं। नहाते समय चेहरे और बालों पर साबुन ना लगाए। अगर आप नहाते समय चेहरे और बालों पर साबुन लगाते हैं तो इससे आपके चेहरे और बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल सामान्य साबुन बहुत हार्श होता है और आपके चेहरे की त्वचा काफ़ी संवेदनशील होती है, इसलिए नहाते समय आपको बाकी शरीर पर तो साबुन लगाना चाहिए लेकिन चेहरे और बालों पर साबुन नहीं लगाना चाहिए। चेहरे को धोने के लिए फेस वाश है जिसे खास चेहरे की त्वचा के लिए ही बनाया गया है, और बालों को धोने के लिए शैम्पू है। हाँ, कुछ विशेष मॉइस्चराइजिंग वाले साबुन जो लाइट और क्रीमी होते हैं उन्हें आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सामान्य साबुन लगाने से आपके चेहरे की त्वचा ड्राई आ जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। गलत टॉवल का इस्तेमाल ना करें। चेहरे और बालों को पोंछने के लिए अगर आप काफ़ी पुराने टॉवल का इस्तेमाल करते हैं जिसके रोएं डैमेज हो चुके हैं, यह बहुत हार्ड है, तो ये गलती भी आपकी त्वचा के लिए लंबे समय में बहुत भारी पड़ सकती है। चेहरे की सेंसिटिव और नाजुक त्वचा से पानी पोंछने के लिए हमेशा सॉफ्ट रोएं वाले टॉवल का इस्तेमाल करें। अगर आपके टॉवल के रोएं डैमेज हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि आप नया तौलिया इस्तेमाल करें। इसी तरह बालों को भी सख्त तौलिये से नहीं पोंछना चाहिए। ऐसे टॉवल से पानी पोंछने पर त्वचा और बाल दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। नहाने के समय मॉइस्चराइजर न लगाना। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि साबुन त्वचा के लिए हार्श होता है, लेकिन गंदगी साफ करने के लिए इससे नहाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप नहाने के तुरंत बाद अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन नहीं लगाया तो आपकी त्वचा ड्राई हो जाएगी और उसमें सफ़ेद सफ़ेद दरार जैसे नज़र आने लगेंगे। त्वचा का यही हाल अगर आप रोजाना करेंगे तो कुछ समय में ही त्वचा ढीली हो जाएगी और आप बूढ़े नजर आने लगेंगे। नहाने के बाद पानी सुखाए और तुरंत ही मॉइस्चराइजर का प्रयोग पूरे शरीर पर करें। रात में सोने से पहले भी चेहरे पर लाइट मॉइस्चराइजर लगाकर ही सोए। गीले बालों में कंघी ना करें। बाल भी आपको जवान दिखाई देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर कम उम्र में ही बाल झड़ जाए तो आप वैसे ही बूढ़े दिखने लगेंगे। मगर कई बार हमें बचपन से ही गलत आदतें सिखा दी जाती है जिसके कारण बड़े होते होते हम अपने बालों का काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। एक बड़ी गलती लोग यह भी करते हैं कि नहाने के बाद बालों को खूब झटका देकर पानी निकालते हैं और फिर आधे गीले बालों पर ही कंघी कर लेते हैं। ये आदत बालों के झड़ने का कारण बनती है। बालों को झटकना, हाथों से झटका देने पर भी बाल जड़ों से कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा गीले बालों में कंघी करने से भी बाल डैमेज हो जाते हैं। आपको हमेशा बालों को अच्छी तरह सुखाकर ही इन्हें कंघी करना चाहिए। तो दोस्तों, रोजाना ये छोटी छोटी बातें आपको जवान बनाए रख सकती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।